व्यूअर्स ये देखो, यहाँ पर सागवान ही सागवान है। जिसको भी सागवान का ख्वाहिश रहता है ना, अपना घर सागवान की लकड़ी से ही बना, बहुत सारे है वैसे पेड़। देखो पहाड़ के घर कैसा रहते हैं, आप देखिए यहाँ पर। देखो ये सागवान का है, एक मिनट, ये देखो यार सागवान का झाड़। हम बिदर में या फिर किसी और में ऐसे इतना बड़ा मोटा पेड़ तो देखने को नहीं मिलेगा। और देखो कंस्ट्रक्शन, इतना नीचे से लाए वो लोग। और तो आप लोग भी चाहते हैं कि इस टाइप का आपको भी घर हो, तो ये देखो फुल रिटेनिंग वॉल, नीचे से लेके ऊपर तक रिटेनिंग वॉल दिया जाता है। मतलब इतना सारा ये लोड है ना, ये फुल, इसका कुछ ऊपर का पहाड़ से या फिर कुछ भी नहीं दबना। ये देखो क्रैक होते हैं बारिश के मौसम में, वो सब नहीं दबना बोल के फुल रिटेनिंग वॉल दिया गया नीचे से। बहुत खर्चा भी आता है ऐसा घर बनाने से, उतना डाउनल से उन्होंने लिया। अब आ चुका है रोड लेवल, इतना कष्ट है पहाड़ में। बट लोग ऐसे ही, ये बहुत कॉमन है इस प्लेस में जहाँ पर मैं वीडियो ले रहा हूँ ना, इस प्लेस में बहुत कॉमन सी चीज़ है सब। तो इनको आना है तभी, और रास्ते से यहाँ से आना पड़ता। स्टेयर्स, ऐसे रोड बहुत कॉमन है यहाँ पर इस टाइप का घर हो जो भी। ये देखो वो सामने वाला घर आप देख रहे हैं ना, पूरा रिटेनिंग वॉल दिया गया। ओके तो अब देखो ये घर वहाँ पे, अब इनको जाना कैसा। तो वो लोग क्या किए, नीचे जो है ऐसे खुला छोड़ दिया अंडरग्राउंड, कुछ ऐसे बस स्टेयर्स बना दिए। बाकी का वो रास्ता है ना, रास्ते से क्या है सपोर्ट देके वहाँ पे रहते हैं लोग। जस्ट इमेजिन इसे वक्त पे, हम लोग इस टाइप के घर को रिसोर्ट बनाते हैं बट यहाँ पे नॉर्मल लिविंग है। ओके यही दिखाना था आपको। और स्टेयर्स देखो, थैंक यू।